subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. वाटर कैनल सिस्टम में घूमी साइगन जो है एक एनिमल है, पॉरीफेरा से रिलेटेड है ये, पॉरीफेरा क्लासेस की। ये इसका एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये इसका सेलुलर लेवल डायग्राम है। ये है रियल एनिमल। हाँ, ये इस तरह वर्क करता है। इसमें ये एक सबमर्ज्ड एनिमल है, ये वाटर में मैराइन एनिमल है, ये जो कि सी के डेप्थ में पाया जाता है, सी के डेप्थ में पाया जाता है। ये नॉन मोटाइल होता है, ये लोकोमोशन नहीं करता। ये सबस्ट्रेट से चिपका होता है, सबस्ट्रेट इसमें ये जो कि लोकोमोशन नहीं करता। सबस्ट्रेट एक रॉक होता है, रॉक हो सकती है, कोई भी चट्टान हो सकती है जो एल्गी वगैरह से ढकी हो सकती है, और जिससे न्यूट्रिशन लेता है ये ये साइगन का पूरा बॉडी ऐसी होती है, पोरस होती है, ये ऑस्टियास प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियास से ये इनका ये वाटर जो है पूरा सबमर्ज, वाटर से सबमर्ज रहती है बॉडी। तो ये वाटर से ये पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, वाटर अंदर जाता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, और एक्सक्रीशन भी इन पोर्स के थ्रू ही होता है। ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी पोर्स से ही सारा काम करते हैं, और जो इसका एक्सक्रीशन वगैरह है, जो बाकी का काम, ये जो पानी है ऊपर स्पॉन्जेस ही होती है इसके अंदर, इसके ऊपर से पानी निकाल देता है जिससे सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, इसकी जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है इसका। वाटर कैनाल सिस्टम, ये साइगन की बॉडी होती है वही कैनाल सिस्टम से मिलकर बनी होती है, पूरा ही होता है वही कैनाल सिस्टम। ये है एलएस, एलएस की कैनाल्स को शो कर रखा है। ये होता है ऑस्टिया, जो कि डर्म बॉल्स होते हैं, इसके फोल्डेड होते हैं, डर्म सेल्स के फोल्डेड होते हैं जो ऑस्टिया होते हैं। ये जब जाते हैं तो ये होती है रेडियस कैनाल, एपिक्रोसोफाइट्स, एपोफाइट्स, स्पॉन्जोसिस पर ऑस्कुलम से होकर बाहर निकलते हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस होती है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको ऑस्टिया से लेते हैं, ऑस्कुलम से जाते हैं। जो ऑस्कुलम होता है, अगर इसके फूड पार्टिकल्स को ऑस्कुलम पे रखा जाता है तो वो उसको भी फेंक देती है, क्योंकि सिर्फ ये ऑस्टिया से ही लेती है और ऑस्कुलम से ही बाहर निकालती है। ये एक पॉलीफेरा का एक सदस्य है और एक सिस्टेजिन फैमिली का है। ये स्पॉन्जेस जो कि साइकल्स होती है, ये स्पॉन्ज होती है। बहुत सी सेल्स होती हैं, ये पहले ही डायग्राम में जो बहुत सी सेल्स को उसमें डिफाइन किया गया है कि ऑस्कुलम जो कि बाहर निकलते हैं होती है पोलोसाइट्स, कोलोसाइट्स जो फ्लैजिलेटेड होती है, जैसे फ्लैजिला होता है जो इनकरेंट वाटर होगा उसको कैनाल को ड्रॉ करेगा, ये फ्लैजिला।